तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोटी हरी मिर्ची का अचार। ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। इस अचार को सुबह सिंपल पराठा दही के साथ एंजॉय कीजिए, ये बहुत ही गजब का लगता है। गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब लोग भी यहाँ पे ठीक हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मिर्ची के अचार की रेसिपी, जो मोटी वाली मिर्ची होती है उसकी रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत टेस्टी अचार लगता है उसका, एकदम ताज़ी ताज़ी डालो और खाओ। रेसिपी एकदम सिंपल है और आपका अचार कभी भी बेकार नहीं होगा, और आप एकदम से तुरंत से ही स्टार्ट कर सकते हैं उनको खाना। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस ये है हमारी अचार वाली मिर्ची। तो पहले अब हम इनको धुलेंगे। धुलने के बाद में फिर हम इनको कपड़े से साफ करके और कुछ 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही ओपन जगह में रख देंगे, जिससे कि इनका पानी थोड़ा ऐसे हो जाए सूखा सूखा सा। तो गाइस अब ये हमारी मिर्ची धुल रही है, यहाँ पे सारियों को साफ करके एकदम से धुल लेंगे। तो देखिए गाइस इनको ऐसे पूंछ पूंछ के कपड़े से ऐसे रख लेंगे। इनको ऐसे साफ करके फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। आप चाहो तो सुबह से शाम तक भी रख सकते हो, जिससे कि इनके जो अंदर ये पानी होता है ना वो इनमें से ख़त्म हो जाए। और अब इनको हम साफ करके रख लेते हैं और फिर डालेंगे इनको कुछ देर में। A few hours later. तो गाइज इनको रखे हुए 4-5 घंटे हो गए थे, तो अब हम इनको बीच में से कट करके, पहले तो इनका डंठल निकाल लिया है अलग और ये बीज भी निकाल लेते हैं। अगर आप चाहो तो बीज नहीं निकालें, क्योंकि हमारे घर पे बीज नहीं खाते हैं, इनके बीजों को निकाल देते हैं। इनको सारी का ऐसे ही बीज निकाल देते हैं और एकदम से अंदर साफ हो जाती हैं। और तो सब खा लेते हैं पर घर में पापा जी नहीं खाते हैं बीज वाली, तो फिर सभी ऐसे ही डाल लेते हैं हम बिना बीज के। ये ताज़ी ताज़ी बहुत टेस्टी लगती हैं, ताज़ी ताज़ी डालो और ताज़ी ताज़ी खाओ। ये हमारे जब तब से सर्दी स्टार्ट हुई है तब से शायद 3री बार डल रही हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ऐसे सारी मिर्चियों को ऐसे ही कट करके और हम इसमें से बीज निकाल करके रख लेंगे। अगर आप चाहो तो तब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, तो इसमें से 2 पीस भी कर सकते हैं अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा बड़ी है तो। वैसे मीडियम साइज़ की ही लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी एक नहीं खा पाते हैं, फिर वो बेकार जाए, क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही सारी मिर्चियों को हम साफ करके रख लेते हैं। तो गाइस देखिएगा ये हमारी मिर्ची सारी कट के हो चुकी है तैयार, तो हम इनके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो ये हमारी 1 किलो है मिर्ची और इसमें हम डालेंगे 100-100 ग्राम मसाला। तो 100 ग्राम डलेगी हमारी इसमें पिसी हुई राई और 100 ग्राम डलेगी इसमें हमारी सौंफ। तो ये अब हमारी सौंफ डल रही है इसमें, और इसमें है ये हल्दी। हल्दी तो ये है कि जैसे कि हमारा मसाला है उसी के अनुसार 2 स्पून डाल दो या 2.5 स्पून ऐसे डाल दो। और टेस्ट के अनुसार इसमें अब ऐड हो जाएगा नमक, तो इसमें गया है 2.5 स्पून। तो इसमें अब हम डाल रहे हैं तेल, इसमें मिक्स कर लेते हैं, और जैसे कि सूखा सूखा रहना चाहिए मसाला, मतलब ज़्यादा ऐसा ऑयल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अगर ये हमारा थोड़ा बहुत मसाला अगर एक्स्ट्रा भी हमसे बन जाता है तो फिर हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अचार और इसमें अब हो रहा है सिरका ऐड। सिरका से क्या होता है कि आपकी मिर्ची बिगड़ेंगी भी नहीं और इससे थोड़ा खट्टा बना जाता है, इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है एकदम से। तो अगर आपके हाथ का मिर्ची का अचार नहीं चलता हो तो आप सिरका उसमें डाल सकते हैं 1-1.5 स्पून, और उससे क्या है कि आपकी ना ही तो मिर्च बिगड़ेंगी और ना ही आपका ख़राब होगा, और इसमें तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा आपका। तो अभी हमारा
मसाला हो गया है रेडी, तो इसमें ये भर रही हैं मम्मी जी मसाला। जितना आप चाहें इतना इसमें मसाला भर सकते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा ही ठीक रहता है क्योंकि ज़्यादा मसाला भी नहीं खाया जाता। इनको सर्दियों में खाना बहुत टेस्टी लगता है, जैसे कि साग के साथ में, कोई भी सब्जी हो उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है, ताज़ी ताज़ी खाओ डाल के। तो देखिएगा गाइस, हमारी सारी मिर्ची भर के हो गई हैं एकदम से तैयार, और हमारे डब्बे में आ भी नहीं रही, तो दूसरे डब्बे में रखेंगे इनको। और ये ताज़ी ताज़ी बहुत टेस्टी लगती हैं, इनको आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ये हमारी मिर्ची हैं हो गई रेडी, और अगर आप चाहो तो इनको एक दिन के लिए धूप में भी रख सकते हो, उससे और भी अच्छा टेस्टी बन जाता है, और धूप लगने से भी थोड़ा कलर भी चेंज होता है इनका। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं गाइस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।